जी हाँ स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबी गुरुजी चैनल में। और आज आपके डिमांड पर जेआरएफ होल्डर जो कि जून 2024 के एग्जाम के हैं उनका इंटरव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। इंटरव्यू को जितना उसके छोटा रखने की कोशिश मैं रखूंगा। पर्सनली मेरा ये यकीन है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग पोटेंशियल रहती है, पर स्टूडेंट्स की डिमांड कुछ इस तरीके से थी कि हमें जेआरएफ होल्डर का इंटरव्यू चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जो आम तौर पे स्टूडेंट के सवाल रहते हैं मेरे पास में आते हैं, वही सवाल मैं इस बार के जेआरएफ होल्डर से पूछूंगा और आप उनके जवाब को सुनकर कुछ गाइडेंस आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं, अपनी तैयारी के अंदर लगा सकते हैं और आने वाले अटेम्प्ट में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे साथ में आज जो जुड़े हैं वो हैं मिस्टर सूरज जी, और इन्होंने अभी हाल ही का 21 अगस्त से 5 सितंबर तक जो एग्जाम हुआ है उसमें ये भी बैठे थे और इन्होंने जेआरएफ अचीव की है और इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका। थैंक यू सर। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके फैमिली को। आपने जेआरएफ अचीव किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स का आमतौर पे सवाल आता है कि हमें किस तरह से एग्जाम को देखना चाहिए। मतलब स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को देखने के अलग अलग नजरिया अपनाता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को पहाड़ के तौर पे देखता है कि ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको बहुत वाइड सिलेबस होता है, इसके अंदर हमें मुश्किल टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए, आसान टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। आपने किस तरीके से नेट के एग्जाम को, सिलेबस को देखा, नेट के एग्जाम को देखा, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, क्या मुश्किल टॉपिक पहले किए, क्या आसान टॉपिक पहले किए? स्टूडेंट को जरा इसके बारे में गाइडेंस दे दीजिएगा। एक्चुअली सर, मेरा नाम सूरज कुमार महतो है। मैं एमए हिस्ट्री गुरु घासी दास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एमए हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी करेंट में जून 2024 के एग्जाम में एमए हिस्ट्री से 99.41 परसेंटाइल के साथ मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ हूँ। पहली देखा जाए तो सर, नेट एकदम पहाड़ एग्जाम नहीं है। अगर कंटिन्यू अगर व्यक्ति लगा रहे तो एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। स्टार्टिंग में ही जब मैं पीजी के दौरान पढ़ना स्टार्ट किया था इस एग्जाम के लिए, तो मेरे को भी लगा था बहुत वाइड सिलेबस है और पेपर 1 के बेस पे देखा जाए तो वो तो पूरा अलग ही सिलेबस लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाने स्टार्ट किया, वैसे ही डेली 1 या 2 घंटे, और लास्ट टाइम में मैक्सिमम मैं पेपर वन एग्जाम के लिए ही देता था। और जितने PYQ मिल गया कहीं से वो सबको मैंने सॉल्व करके पेपर 1 के लिए स्पेशली गए थे। और हिस्ट्री सब्जेक्ट तो अपना मास्टर के दौरान ही स्ट्रांग ही हो गया था। साथ में अभी मैंने प्रीवियस ईयर या MCQ और अन्य एग्जाम में पूछे गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, जिसके थ्रू मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया। आमतौर पर स्टूडेंट के मन में यह भी डाउट रहता है कि यार पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर 2 को ज्यादा टाइम देना चाहिए। आपने बेसिकली क्या स्ट्रेटजी बनाई, पेपर 1 को कितना टाइम आप देते थे, पेपर 2 को कितना टाइम देते थे? स्टूडेंट को जरा इसमें गाइड कीजिए। सर ऐसा है कि पेपर 2 तो मेरा पहले से ही ठीक ठाक था। पेपर 1 सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था, वो बहुत मुश्किल से उसमें स्कोर होता था। तो ऐसे किया मैं, एग्जाम के अगर 2 महीना बचा है तो मैक्सिमम टाइम अपना पेपर 2 में देता था। हिस्ट्री को जो थ्योरी हो गया, डेट वगैरह की याद होने में, और पेपर 1 भी डेली एक दो घंटे निकालता था। जब लास्ट टाइम एग्जाम में आया तो मैक्सिमम टाइम अपना सब्जेक्ट से भी ज्यादा मैं पेपर 1 में देने लग गया। तो इसके थ्रू मेरा पेपर 1 भी ठीक हो गया और हिस्ट्री सब्जेक्ट तो भी कवर में आ गया, जिसके बेस पे एग्जाम अच्छा गया था। जैसे आपने मुझे पहले भी बताया कि आपने इससे पहले 2 बार अटेम्प्ट दिए थे, 2 बार अटेम्प्ट देने में आपने नेट भी आपका बेसिकली क्वालिफाई नहीं हुआ था, तीसरी बार में आपने डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ऐसा क्या मतलब आपने स्ट्रेटेजी में चेंज किया कि ना सिर्फ नेट बल्कि सीधा जेआरएफ में आपने छलांग लगा ली? स्टूडेंट्स को इसमें भी गाइड किया क्योंकि आप पहले ऐसा था लेके आता तो वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, नेट भी नहीं निकल पाया, नेट ही निकल जाता तो भी कम से कम मैं जेआरएफ के लिए तैयारी करता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। तो आपने किस तरीके से इस चीज को ओवरकम किया, डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे आपने कन्वर्ट किया, क्या कुछ यहाँ पर आपने अपना है? स्टूडेंट को जरा गाइड कीजिए। सर सेम मेरे भी ऐसे साथ हुआ था। पहले बार मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के गया था और उसमें 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से मेरा नेट रुक गया था। एकदम बहुत ज्यादा ही दुख हो गया, कुछ दिन तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा कह के। और जब सेकंड अटेम्प्ट था तो बस ऐसे दिला लिया था। और ऐसा जो प्रॉपरली पढ़ा था वो उस टाइम भी नहीं पढ़ा था। अब जब तीसरा अटेम्प्ट था, अब पता चला यहाँ छत्तीसगढ़ में ईपी का वैकेंसी आने वाला है, तो मैं और अच्छे तरीके से पढ़ने स्टार्ट किया। इतना तो शोर था कि इस बार मैं नेट कर ही लूंगा कह के, थोड़ा और फोकस किया, पीवाईक्यू को ध्यान दिया। तो इस तरह से मैंने डिमोटिवेशन को दूर किया और इतना अपने आप में उम्मीद जगाया है कि मैं एग्जाम तो कर ही लूंगा कह के, और फाइनली मैं एग्जाम क्लियर कर ही लिया। पेपर 1 के अंदर या पेपर 2 के अंदर जब कोई मुश्किल टॉपिक आपको लगते थे, मतलब जाहिर सी बात है होते ही होंगे पूरे सिलेबस के अंदर, कुछ तो टॉपिक ऐसे लगते होंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या माइंडसेट आप रखते थे? मतलब उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे? उसके सवाल ज्यादा करते थे या उसके मैटर पे ज्यादा जोर देते थे? क्या मतलब आपकी स्ट्रेटेजी उसमें रहती थी मुश्किल टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए? हाँ सर, ये पेपर 1 के साथ तो मेरा बहुत हुआ है। इसमें तो मेरा ये माइंडसेट था कि अगर मेरा कुछ टॉपिक नहीं बन रहा है तो उसको नॉर्मल देख लो। अगर पेपर 1 में 10 चैप्टर रहते हैं, अगर 10 में आपका 6 या 7 भी अच्छे से बन जाए तो कवर किया जा सकता है, बाकी जो 3 चैप्टर नहीं बनता। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि डीआई के लिए टाइम कम पड़ जाता था। इस बार के एग्जाम में भी ऐसा हुआ कि डीआई के लिए थोड़ा टाइम कम पड़ गया, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिस के जरिए इतना सॉल्व कर लिया था कि मैं थोड़ा गेज भी लगा सकूँ कि अगर एग्जैक्ट नहीं ला पा रहा हूँ या टाइम कम पड़ जा रहा है तो कौन से सही हो सकता है। इस वजह से इस बार मेरे डीआई में 5 में से 3 क्वेश्चन सही हुए, और बाकी तो फिर सर एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछ दे। यूजीसी पेपर 1 के एग्जाम में तो मैं प्रॉपरली 10 चैप्टर में नॉर्मल पढ़ लिया था कि अगर थोड़ा भी अनप्रेडिक्टेबल रहे तो गेस करके मैं कहीं से बना लूंगा कि, और बना भी लिया। इस बार मेरा 34 क्वेश्चन अराउंड पेपर 1 में जिससे सही हो गया। तो इस सबसे खास तौर पे तो एग्जाम का फोबिया स्टूडेंट के मन में रहता है कि एग्जाम के दौरान जो है, जैसे घर पे रह के तो स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन एग्जाम के अंदर जाके स्टूडेंट जो है फील करता है अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। एग्जाम के अंदर जो डिमोटिवेशन होता है एग्जाम पेपर को देखने के बाद या एग्जाम पेपर के आने से जस्ट 2-5 मिनट पहले या एग्जाम के दौरान, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर फेस करता है स्टूडेंट, तो उससे किस तरीके से डील किया जा सकता है? अगर आप उसमें स्टूडेंट्स को गाइड करें तो काफी हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। हाँ सर, एग्जाम के दौरान जो रहता है, हाँ सर ये सभी की प्रॉब्लम है। जो पहली बार दिलाने जाते हैं उसकी प्रॉब्लम है, अगर ऑनलाइन दिलाने जाते तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई जगह देखा जाता है कंप्यूटर साइंस कॉल नहीं हो रहा, चल नहीं रहा है। मैं भी दिला रहा था पहली बार, तो मेरे साथ भी ये दिक्कत हो गई। पहली बात तो अगर आप एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो पहली बार धैर्य रखना है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप आराम से निकाल लोगे, नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। धैर्य बना के रखना है, और स्टार्टिंग में अगर कोई कठिन क्वेश्चन लग रहा है तो उसको स्किप करना है। जो सरल रहे या जो पोर्शन आपको स्ट्रांग रहे उसे पहले बनाना है। अगर मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो मैं इस बार हिस्ट्री सब्जेक्ट पहले बनाना स्टार्ट किया, और पेपर 1 थोड़ा वीक था तो उसके बाद पेपर 1 बनाना स्टार्ट किया। पहले बात स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको स्किप मारो, जो बन रहा है उसको बनाओ, और एग्जाम में धैर्य रखो। अगर कठिन क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब क्या होगा, या देश दुनियादारी की सोचना नहीं है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। पहली बात तो स्टूडेंट को धैर्य बना के रखना है, और 3 घंटे तक पूरा क्वेश्चन पेपर में ही डेडिकेशन लगाना है, और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद सोचना कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जब तक आप आंसर शीट एग्जाम दिला रहे हो पूरा फोकस एग्जाम में ही रखना चाहिए। हाँ सही बात है कि एग्जाम के दौरान जो है वो चाचा मामा काका क्या सोचेंगे ये दिमाग में चलने लग जाता है, तो अपनी फोर्स जो है वो इस ओर डाइवर्ट हो जाती है। तैयारी करने के दौरान कई बार ऐसा फेस तो आता ही है कि हम जैसे तैयारी कर रहे हैं तो कई बार मोटिवेशन बूम पर आ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो कई बार ऐसा आता है कि एकदम डाउनवर्ड हम फील करने लग जाते हैं, मतलब काफी डिमोटिवेट अचानक से ही हो जाते हैं हम, यार लगता नहीं कि इस बार कर पाएंगे, पता नहीं तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही। उस वक्त में कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? मतलब घर पर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी एग्जाम डेट वगैरह आई हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चल रहे हैं, उस वक्त में भी कई बार स्टूडेंट चलती तैयारी के बीच में डिमोटिवेशन फील करने लग जाता है। शायद कई बार वाइट सिलेबस को देख के, शायद कई बार कुछ टॉपिक जो मुश्किल लग रहे थे उनको देख के, या कुछ ऐसा भी फील हो सकता है स्टूडेंट को कि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन का मतलब डिमोटिवेशन होता है, आपके साथ में भी शायद हुआ होगा, तो आपने उसको कैसे डील किया, कैसे आप स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं? हाँ सर, जर्नी के टाइम में तो सबसे बड़ा है कि अगर कोई टॉपिक बन नहीं रहा है, कोई डेट्स याद नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेशन बहुत होता है। पहली बात तो स्टूडेंट को पेशेंस रखना चाहिए। नेट एग्जाम भी सिलेबस बहुत वाइड करने के कारण ये एक पेशेंस का ही गेम हो गया है। जो जितना ज्यादा पेशेंस रखेगा वो उतना जल्दी एग्जाम क्लियर करेगा। अगर धैर्य खो रहा है, मॉक लगा के देखो मॉक में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बेस पर आप ये आइडिया लग जाएगा कि आप किधर गलती कर रहे हो, और धीरे धीरे आपको गलती पता चलेगा और उसमें सुधार करते जाओगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो फिर आप एग्जाम क्लियर करने में आपको सहायता मिलेगी। जी, तो जाते जाते आप जो दिसंबर 2024 में स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं उनको अगर आपने कुछ गाइड करना हो तो क्या आप गाइड उनको खास तौर पे करेंगे? कौन से पॉइंट हैं जो खास तौर पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, क्या आपकी तरफ से फाइनल गाइडेंस होगी? सर, एक तो पहले बात स्टूडेंट को पेशेंस रखना है। अगर जो पहली बार एग्जाम दिलाता है उनको ऐसा देखा जाता है कि सिलेबस ज्यादा देखकर या एग्जाम के कट ऑफ अभी बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं उसको देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं। पहले तो उसको स्टूडेंट को पेशेंस बनानी रखनी चाहिए, और अदर एग्जाम को साइड में रखकर अगर आप नेट के लिए पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले सिर्फ नेट ही एग्जाम पे फोकस करो। तब पॉसिबल है कि आप नेट या जेआरएफ एक ही बार में कर जाओ, एक बार या 2 बार में कर जाओ, या कोई ना कोई नेट या जेआरएफ निकल ही जाए। और इधर उधर का एग्जाम नहीं डालना है कि जैसे अभी पुलिस का आ रहा है तो उसमें डाल दो, एनटीपीसी का आ रहा है उसमें डाल दो, जीडी का आ रहा है तो उसमें डाल दो। एक एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोकस सीधा वही एग्जाम में रखनी चाहिए और पेशेंस बना के रखना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक ही जगह पे फोकस रखेंगे तब काम जो है वो सिरे चढ़ता है, जैसे आप भाषा के अंदर अपने कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। स्टूडेंट्स को मुझे पूरा यकीन है काफी गाइडेंस मिली होगी, काफी हद तक आइडिया मिला होगा कि क्या गलतियां वो करते थे और कौन सी गलतियां उनको वापस से रिपीट नहीं करनी है। इस तरह से वो अपनी तैयारी को यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। शायद आपसे कुछ बढ़िया तरीके से फायदा लेते हुए वो भी दिसंबर 2024 के एग्जाम में जेआरएफ को अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।